हेलो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं बहुत ही फ़ायदेमंद ऐप के बारे में। अगर आप भी पंप वगैरह लगाते हैं, जैसे कि समरसेबल जेट पंप लगाते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है करम्पटन साथी ऐप। करम्पटन साथी ऐप लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। इसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करने के बाद इसको यहाँ पर रजिस्टर नाउ करना है, अलाउ लोकेशन को अलाउ करना है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिया गया है, सिंपल है। इस फॉर्मेट को एक एक करके भर देना है। नेम है, मोबाइल नंबर है, प्रोफाइल फ़ोटो लगाना है और एड्रेस है, सिटी, पिन कोड वगैरह। ये सिंपल जो है फॉर्मेट, इसको एक एक करके सारे फॉर्मेट को भर देना है। यहाँ पर आपको फुल एड्रेस डालना है, फुल एड्रेस एक करके आपको भर लेना है, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट, सारे एक एक करके लिख के भर देना है। फिर आपको थोड़ा नीचे जाना है, उसके सिटी सेलेक्ट करना है। आपका जो सिटी है उस सिटी को पहले सेलेक्ट कर लेना है। और अगर सिटी सेलेक्ट करने के बाद, अगर एक बार में अगर आपको सिटी सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड नहीं मिलता है, तो फिर से दोबारा आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमको पिन कोड नहीं मिला, तो हम फिर से सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे सिटी सेलेक्ट हमने कर ली है, तो यहाँ हमको सिटी मिल गया। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा एरिया पिन कोड मिल गया। अब यहाँ पर लोकेशन को अलाउ करना है और यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी, जैसे आप आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देना है। तो हमको मैंने आधार कार्ड दिए हैं, आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों को देना है, दोनों पेज को अपडेट करना है इसमें, फ्रंट और बैक। उसके बाद UPI आईडी में आप बैंक अकाउंट का भी डिटेल दे सकते हैं और UPI भी दे सकते हैं, जो आपका जो रिडीम आप करेंगे उस रिडीम जो ये जो देंगे आप ये UPI या बैंक डिटेल, वो उसके थ्रू आपका अकाउंट में जाएगा जो पैसा अर्निंग होगा, जो पैसा जो पॉइंट आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर रिटेलर डालना है, रिटेलर का नाम, उसका मोबाइल नंबर डालना है और फिर उसके बाद ये सबमिट करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। ये ओपनिंग है, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ फीचर्स दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस पॉइंट, ये स्कैनिंग है, इस तरह का समरसेबल, ये समरसेबल पंप है। इसमें QR कोड इस तरह का देखने को मिलेगा, ये स्कैन करना है। यहाँ हमने एक पंप को स्कैन किया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है, अगर कोई दिक्कत आए तो इस जगह पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। यहाँ इस हेल्पलाइन नंबर से आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और अपना दिक्कत बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ फीचर दिया गया है, यहाँ पर आप जैसे रेफर या पार्टनर कर सकते हैं, आप किसी को आप रेफर भी कर सकते हैं अपने थ्रू से, उसमें आपको कुछ पॉइंट मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ हमने जो कूपन है, उस कूपन को स्कैन किया है। ये समरसेबल पंप का है, ये समरसेबल में 125 पॉइंट दिए गए हैं, मिला हमको। अब इसको रिडीम, यहाँ से रिडीम भी हम कर सकते हैं। यहाँ रिडीम का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ रिडीम का ऑप्शन है। यहाँ से हम पैसा को अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, UPI भी कर सकते हैं, बैंक डिटेल, बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ हमको जितना पॉइंट है उतना पॉइंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 125 पॉइंट तक, कम से कम भी हम कर सकते हैं। इसका रिडीम नाम करने से ये डायरेक्ट आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।